संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल के साथ सांसदों ने मुंह पर बांधी काली पट्टी, राहुल का आरोप, नहीं सुनी जा रही विपक्ष की बात। We are not allowed to express ourselves in the house. Every time we try to say something, we are suppressed. And the basic mode in which the government is operating is to not allow democratic process inside the house. कांग्रेस के प्रदर्शन के जवाब में एनडीए ने भी संसद परिसर में किया प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के बाहर किया विरोध। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा दलित महिला होने की वजह से मंत्री जी को बनाया जा रहा है निशाना। सामाजिक कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत ने भी साध्वी को बताया दलित, कहा दलित महिला को नहीं बनाया जाना चाहिए निशाना। अब साध्वी की जाति पर भी सियासी घमासान, मायावती ने कहा दलित नहीं है साध्वी निरंजन, पिछड़ी जाति से आती है साध्वी। निषाद जाति से आती है साध्वी निरंजन, यूपी में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं निषाद। कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना के कैंप पर बड़ा आतंकी हमला, सेना के 5 जवानों के अलावा 2 पुलिसकर्मी भी शहीद। हमले में 3 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर, कैंप में अभी जारी है फायरिंग, सेना ने आत्मघाती हमले की जताई आशंका। हमले में कई आतंकियों के शामिल होने का अंदेशा, सेना ने इलाके की घेराबंदी की। उरी के माहौर में है सेना का कैंप, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक हुआ है आतंकी हमला, रक्षा मंत्री ने कहा ऐसे हमलों को किया जाएगा नाकाम। इंटरसेप्शन बढ़ाए, इंटरप्रेट करने का अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन आर्मी हर एक ये एफर्ट्स नाकाम कर रही है। गुरदासपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने वाले 60 लोगों की आंखों की रोशनी गई, 10 दिन पहले एक एनजीओ की तरफ से लगाए गए शिविर में हुआ था ऑपरेशन। आंखों की रोशनी गंवाने वाले 16 लोग अमृतसर जिले के हैं, बाकी गुरदासपुर जिले के ही हैं। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर रवि विभा भगत के मुताबिक मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों की तलाश जारी। हाईकोर्ट ने बिलासपुर नसबंदी कांड में 13 महिलाओं की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर आर के गुप्ता को जमानत दी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का आज विस्तार, शाम 4 बजे शिवसेना बीजेपी कोटे से 10-10 मंत्री लेंगे शपथ। शिवसेना कोटे से 5 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री लेंगे शपथ, डिप्टी सीएम की डिमांड नहीं हुई पूरी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, रामदास कदम, दिवाकर रावते और दीपक सावंत लेंगे कैबिनेट मंत्री की शपथ। शिवसेना के रविंद्र वायकर, संजय राठौर, विजय शिवतरे, दीपक केसाकर और राजेश क्षीरसागर राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। कुल 12 मंत्री ये शिवसेना की ओर से इस सरकार में शामिल होंगे, जिसमें 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 7 राज्य मंत्री इस गठबंधन में शामिल होंगे। दिल्ली के कस्तूरा नगर में सांसद मीनाक्षी लेखी ने जनता को किया निराश, इंतजार करते रहे लोग लेकिन नहीं पहुंची लेखी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, महिला सेल को दिया हर जिले में 10,000 महिलाओं को सदस्य बनाने का टारगेट। केजरीवाल की दुबई यात्रा पर सियासी बवाल, बीजेपी ने बिजनेस क्लास में सफर करने पर उठाया सवाल। आपने आरोपों को बताया सियासी साजिश, आयोजकों की तरफ से दिया गया सफर का टिकट। हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच 11 दिसंबर को करेगी आशुतोष महाराज केस की सुनवाई, आज तारीख देखकर छोड़ा। जर्मन बनाम संस्कृत केस पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा था वक्त। बाबरी मस्जिद केस में मुख्य याचिकाकर्ता हाशिम अंसारी से बात करेंगे मुलायम सिंह यादव, मुलायम ने कहा हाशिम का बयान गंभीर बात। बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी से पीछे हटने वाले हाशिम अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े, कहा मोदी अच्छे आदमी, वाराणसी के अंसारी तबके के लोगों के लिए अच्छा काम किया।
प्रसिद्ध न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीआर कृष्ण अय्यर का निधन। अय्यर 100 साल के थे। अय्यर सुप्रीम कोर्ट में करीब 7 साल रहे न्यायाधीश। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव में फिर लहराया बीजेपी का परचम। सभी 9 नगर निगमों में बीजेपी का कब्जा। भतीजे की गिरफ्तारी पर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इकराम कुरैशी का हंगामा। समर्थकों ने भी लगाया जाम। अतिक्रमण हटाने को लेकर एसपी नेता के भतीजे फहीम कुरैशी पर पुलिस को धमकाने का आरोप। हंगामे के बाद फहीम को मिली बेल। विवादों में आया भिवानी के चरखी दादरी का श्रीकृष्ण प्रणामी आश्रम। एक साध्वी पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप। नाबालिग के आरोपों के बाद एसपी ने बनाई एसआईटी। साध्वी ने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। अरब सागर में शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने पर वन और पर्यावरण विभाग से मिली हरी झंडी। प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। बाल ठाकरे के मंझले बेटे जयदेव ठाकरे की वसीयत पर उठाया सवाल। जायदाद के लिए पहुंचे हाईकोर्ट। 2011 में बनाई बाल ठाकरे की वसीयत में मंझले बेटे जयदेव के हिस्से कुछ नहीं, ज्यादातर संपत्ति उद्धव के नाम। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को धमकाने वाला 23 साल का युवक गिरफ्तार। एसएमएस भेज कर दी थी धमकी। यरवड़ा जेल से संजय दत्त ने फिर मांगी 14 दिन की छुट्टी। 93 के मुंबई ब्लास्ट केस में सजा काट रहे हैं संजय दत्त। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भागते वक्त डिवाइडर से टकराई बदमाशों की बाइक। एक की मौत, 2 जख्मी। धर्मशिला अस्पताल में नर्स की चेन खींचने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने किया था पीछा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित मंदिर के दान पात्र से लाखों का दान लेकर रफू चक्कर हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीसीटीवी तस्वीर के मुताबिक 3 बदमाशों ने दिया चोरी को अंजाम। चोरी से पहले चोरों ने मंदिर के पंडित के घर की कुंडी लगा दी थी। मेरठ के लिसाड़ी गांव के एक बगीचे में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में धरा गया बहुरूपिया ठग। खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बताकर लोगों को ठगता था ज्ञान चौहान। उत्तर रेलवे में नौकरी का झांसा देकर लोगों से अटता था बड़ी रकम। फर्जी कॉल लेटर देकर हो जाता था फरार। हाथरस में नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में आग से नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मुगलसराय के पास चंदौली स्टेशन पर दून एक्सप्रेस के टॉयलेट में लगी आग। वक्त रहते बुझा दी गई आग। अब गाड़ी खुलने के बाद आप इस चंदौली स्टेशन आने के पहले एक बार किसी व्यक्ति ने चेन पुलिंग किया। आप पुलिंग करने के बाद भगदड़ मच गई कि गाड़ी में आग लगी है, गाड़ी में आग लगी। हापुड़ के गढ़ थाना क्षेत्र में नक्का कुआं रोड पर एसके माइक्रो फाइनेंस में 4 लाख की लूट। पीछा करने पर फायरिंग करते भागे बदमाश। 5 लुटेरों ने लूट को दिया अंजाम। बदमाशों की फायरिंग में एक शख्स जख्मी। अब तक बदमाशों का सुराग नहीं। अहमदनगर पाथाड़ी के जबखेड़ा गांव के 3 दलितों की हत्या में प्रशांत जाधव नाम का संदिग्ध गिरफ्तार। घर से हथियार भी बरामद। मारे गए दलितों में एक संजय जाधव का भतीजा है प्रशांत। बार बार बयान बदलने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के गया में महिला समेत नाबालिग बच्चों को छुड़ाया गया। बच्चों को बंधक बनाकर कराया जाता था फैक्ट्री में काम। आरोपी फरार। कानपुर के कुलदीप यादव ने वर्ल्ड कप के संभावितों में चुने जाने पर जताई खुशी। कहा, देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए। ऑफ कोर्स कानपुर के लिए भी खुशी की बात है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं प्रोबेबल्स में आया और मैं अपना 100% दूंगा आने वाले सीजन में, तो क्यों कि अपनी जगह बना सकूं। युवराज, सहवाग, गंभीर, हरभजन और जहीर खान को नहीं मिली टीम में जगह। 2011 की चैंपियन टीम का हिस्सा थे 5 खिलाड़ी। वर्ल्ड कप 2011 के विजेता टीम में
से आशीष नेहरा, मुनाब पटेल, पीयूष चावला और यूसुफ पठान को भी इस बार नहीं मिली संभावितों की लिस्ट में जगह। लगातार टीम में जगह के लिए जूझ रहे मुरली विजय, रॉबिन उथप्पा और अंबाती राडू को भी संभावितों की सूची में मिली जगह। धोनी के अलावा टीम में दो और स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा और संजू सैमसन को मिला घरेलू क्रिकेट में बढ़िया खेल का इनाम। प्रज्ञान ओझा, दिनेश कार्तिक और नमन ओझा को नहीं मिला मौका, 30 संभावितों में एक भी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज नहीं। 14 फरवरी से 29 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा वर्ल्ड कप 2015, टीम इंडिया पर वर्ल्ड चैंपियन का ताज बचाए रखने की चुनौती। अलकायदा ने अमेरिका के नाम जारी किया धमकी का वीडियो, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो 3 दिन के भीतर मारा जाएगा अमेरिकी बंधक। करीब 3 मिनट के वीडियो में एक शख्स खुद को ल्यूक सोमर्स बता रहा है, ल्यूक को यमन की राजधानी सना से पिछले साल किया गया था अगवा। अमेरिका का खुलासा, अमेरिकी फौज ने की थी ल्यूक के रेस्क्यू की कोशिश, लेकिन छापेमार कार्रवाई से पहले ही आतंकियों ने ल्यूक को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को किया आगाह, संसद में राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है। हिंद महासागर में वॉल्वो ओसन रेस में हादसे का सामने आया नाटकीय वीडियो, चट्टान से टकरा गई थी नाव। भारत के दुश्मन हाफिज सईद के जलसे में लाहौर में हजारों लोगों का मजमा, स्पेशल ट्रेन से लाए गए लोग। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आज पहली पुण्यतिथि, अलग अलग अंदाज में लोग दे रहे हैं श्रद्धांजलि। पोलैंड में कोमा से जागा 2 साल का बच्चा, -7 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ पायजामे में झाड़ियों में बेहोश मिला था। दादी को सोता छोड़ तड़के टहलते हुए घर से बाहर निकल गया था बच्चा, डॉक्टरों को उम्मीद बच जाएगा बच्चा।